तो सुनो सर। हाँ जी सुना रहे। मैक्रो दो तरह की इकोनॉमिक्स थी, लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि माइक्रो और मैक्रो दो तरह की इकोनॉमिक्स होती हैं। माइक्रो शायद आपने लास्ट ईयर पढ़ ली थी, शायद इसलिए बोल रहा हूँ, सब नहीं पढ़ते ना, है ना, सब पास हो गए, पक्का कंफर्म है, चलो तभी तो ट्वेल्थ में आए। तो मैक्रो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैक्रो। मैक्रो में कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ पांच चैप्टर हैं, सिर्फ पांच चैप्टर, चैप्टर नहीं है, पांच यूनिट है। और चैप्टर्स की बात करूं तो ज्यादा नहीं, 13 चैप्टर हैं बस। हाँ बहुत आसान, हाँ इससे आसान कुछ है ही नहीं दुनिया, इससे आसान थी माइक्रो पर वो आपने लास्ट ईयर पढ़ ली। अब ये मैक्रो है, और लास्ट ईयर ही हमने पढ़ लिया था माइक्रो छोटा लेवल होता है और मैक्रो बड़ा लेवल होता है, तो ये मैक्रो लेवल है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, मैक्रो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैक्रो में सबसे बड़ा चैप्टर जो माना जाता है उसका नाम है नेशनल इनकम। बाहर बैठोगे? नहीं ऐसे मत करो, यहाँ जगह है बहुत सारी, स्टूल भी लेके बैठे लूंगी यार, कब्जा कर करो, स्तुति तुम थोड़ी देर हो सकते हो, मैं बंदी आ जाइए वहां तो जानी चाहिए, पीछे शिफ्ट हो जाओ, पीछे कहाँ शिफ्ट हो जाओ, जाने आ जाओ अंदर आ जाओ, कल से टाइम पे आना, सही है भाई, बॉडी शोल्डर पे एक बंदी इधर बैठ जाओ, कैमरा के एक इधर बैठ जाओ, इधर जाना पर ना गुस्सा नहीं, इधर उधर कहीं रख दो ना, आगे रख लेते हैं, अरे बहुत बढ़िया है। चलो मैक्रो का सबसे बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, मैक्रो का सबसे बड़ा चैप्टर है नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। भाई बोलना नहीं बीच में। नेशनल इनकम कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, हमें क्या करना है, एक छोटी सी चीज कैलकुलेट करनी है और नेशनल इनकम आ जाएगी। क्या करनी है? छोटी सी चीज कैलकुलेट करनी है। इंडिया के जितने भी बंदे हैं सबको पकड़ के ले आओ, सबको पकड़ के ले आओ और सबकी इनकम पूछो और उनकी इनकम जोड़ दो, नेशनल इनकम आ जाएगी। है नहीं आसान? कितना आसान है, सबको पकड़ो और सबकी क्या जोड़ दो, इनकम, क्या आ गई, नेशनल इनकम। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, खत्म चैप्टर बिल्कुल, 10 नंबर का अकेला चैप्टर, 10 नंबर का है। पूरी जो मैक्रो है 40 मार्क्स कंटेन करती है, और जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी 40 मार्क्स कंटेन करती है। इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे हिस्ट्री, फिर आ गई, सही बात है, मैंने भी यही सोच के छोड़ी थी। SST बहुत ही गंदा सब्जेक्ट, वाहिया सब्जेक्ट, कोई मतलब नहीं हो सब्जेक्ट को पढ़ने का, कईयों को अच्छा भी लगता होगा। अब ये हिस्ट्री जो है अलग तरीके की है, कि जब ब्रिटिशर आए उन्होंने हमें कैसे कैसे लूटा, हमारी इकोनॉमी को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया, वो सब हम वहां पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चीज है। जो हमारा देश बर्बाद होने वाला था 1991 में, तब सरदार जी आए, मनमोहन सिंह जी, ये नहीं है तो नेल्स खाएगा, हाँ दिखाओ अपने नेल्स दिखाओ, अच्छा है कहाँ, इसे हम एक दिन क्रिकेट खिलाने ले गए, सबको पता ही है, बोल आ रही है नेल्स खा भाई साहब, ये क्या कर रहे, अच्छा क्या नेल्स का रिजर्व बना लिया, नेल्स खाने का तो हो गया। चलो इधर देखो, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, और नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए पहले आपको 2-3 चीजें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या बोला मैंने, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम होती है मेहनत की इनकम, जो मेहनत से कमाई जाए, और जो फ्री में मिल जाए वो ट्रांसफर इनकम। रिपीट करना मेरे साथ, जो मेहनत से कमाई जाए वो, और जो फ्री में मिल जाए, मजेदार, ये वाली इनकम ज्यादा अच्छी है, हाँ ट्रांसफर वाली, फ्री में मिलती है ना,
तुम लोग घर से पॉकेट मनी लेते हो? लेते हो पॉकेट मनी? आपका नाम सर? यश। मान लो यश को पॉकेट मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है 10,000 rupees पर डे। ये फैन कम करना प्लीज, फैन कम करो, फैन कम करो। अरे बंद नहीं कम करने को है। फैक्टर इनकम, ध्यान से सुनो भाई, फैक्टर इनकम होती है मेहनत की इनकम और ट्रांसफर इनकम होती है फ्री की। पॉकेट मनी मिली यश को 10,000 पर डे, सही है? ज्यादा है? अरे सही है। 3 लाख रुपए महीना, बड़े लोग। बताओ ये फ्री की इनकम है या मेहनत की इनकम है? फ्री की इनकम। कोई कहता है कि ये मेहनत की इनकम है? देखो अगर तुम ऐसे कहते हो कि भाई हमारे घर वाले तो हमसे धनिया पुदीना दही दूध वगैरह मंगाते हैं, तब हमें पॉकेट मनी मिलती है, वरना हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती। कई बच्चे कह देते हैं कि घर वाले हमसे काम नहीं करा रहे, मेरे से धनिया मंगाया कल, कह रहे नींबू ले आ। हाँ ऐसे मेरे घर वालों ने कहा एक बार, नींबू ले आ, मैं घर पे नींबू का पेड़ ही ले आया, अब तोड़ते रहो, आते रहेंगे, काम कम हो गए ना। अच्छा पैसे मिले पर इस शर्त पे नहीं मिले कि आप काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, ये क्या है? आपकी एक फ्री गिंग। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके घर वाले आपको कह रहे हैं कि घर के काम करेगी झाड़ू पोछा तो पॉकेट मनी मिलेगी, अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एन एम्प्लॉयड पर्सन। पर अगर फ्री में पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या है? एक ट्रांसफर। चलो मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, तुम बस ये बता देना मेहनत की इनकम है मतलब ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम। मेहनत की इनकम फैक्टर इनकम, फ्री की इनकम ट्रांसफर, बता दोगे? अच्छा मेरे पास ना एक बिल्डिंग है, क्या नाम है? प्रखर। प्रखर जवाब देगा। प्रखर मेरे पास एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग मैंने तुम्हें रेंट पे दे दी और उसका रेंट है 10,000 crore। ₹10,000 crore पर ईयर, पर एनम। बताओ ये मेरे लिए इनकम हुई, मेहनत की इनकम है या फ्री की इनकम है? फ्री की इनकम है, ट्रांसफर इनकम है। कौन कौन इनकी बात से सहमत करता है? कुछ बनते हैं। कौन कौन नहीं, कौन कौन कह रहा फैक्टर इनकम है, मेहनत की इनकम है? ये कॉन्फिडेंस में हाथ खड़े नहीं हुए ये वाले, ये मेहनत की इनकम है। अच्छा नब कैसे कैसे ये मेहनत की इनकम है? कह रहे बिल्डिंग तो खुद नहीं बनवाई थी, मेहनत से मतलब बनवाई थी मेहनत से, मेहनत के पैसों से। अच्छा यही है सबका जवाब, ये किसी और का अलग भी है कुछ सेम यही कह रहे? अच्छा कुछ अलग क्या? कुछ खाली रह के नहीं वो करा ना, मतलब उसने रेंट पे तो दे रखी है, मतलब कुछ प्रोवाइड करा, ये कहना चाहते हैं। बहुत सही। अच्छा जो फ्री वाले हैं, फ्री वाले कह रहे ट्रांसफर इनकम है, ये ट्रांसफर इनकम क्यों कहते? आप थोड़ी मेहनत कर रहे हो। हाँ ये भी बात है, ये हमें ना देखने में ऐसे ही लगता है, कह रहे खाली पड़ी थी दे दी, पैसे आगे फ्री के हैं, हमें देखने में ऐसे ही लगता है, पर देखने पे नहीं जाना, ध्यान देना है। ऐसे तुम्हें डॉक्टर की इनकम फ्री की लगती होगी, डॉक्टर के पास गए, मैं भी गया था अभी थोड़े दिन पहले, तो उसने 500 rupees ले लिए मेरे से, तो मेरे से पूछा क्या हुआ, फिर एक पर्चे पे कुछ लिखा, कह रहे जाओ जाओ दवाई तो दे दो, कह रहे वो बाहर से मिलेगी, बाहर अलग पैसे देने हैं, कह रहे हाँ। ये 500 किस बात के थे, 3 मिनट के? दो भैया, दो ज्यादा बोल दिया, 3-2 मिनट के 500 rupees ले लिया आपने, कह रहे हम तो ऐसे ही हैं। अब ये देखने में क्या लगेगा, फ्री की इनकम है, पर नहीं, उसे वो सॉल्ट पता है, उसे वो मेडिसिन पता है जो आपको नहीं पता, तुम खा लो उल्टी सीधी मेडिसिन और तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो उसने वो मेहनत करी है, उसने पढ़ाई करी है, तो देखने में ऐसा लगता है कुछ नहीं किया पर किया है, तो मेरी इनकम फ्री की लगती होगी, भैया करी क्या रे, आए 1 घंटा बोले चले गए, पैसे ले लिए। तो देखने में क्या है, देखने में क्या है ये
भी ट्रांसफर इनकम पर मेहनत हो रही है। ऐसी मैंने सर्विस दी है, अपनी बिल्डिंग रेंट पे दिया है, बिल्डिंग मेहनत से नहीं बनी, फ्री में आ गई थी। कह रहे वो पिताजी छोड़ गए थे। हाँ तो पिताजी ने भी तो मेहनत करी, मेरे लिए तो करी थी कि उनके बच्चे बढ़िया तरीके से रहें। तो जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सर्विसेज दिखती नहीं है, तो इस वजह से ऐसा लगता है फ्री की है, पर फ्री की नहीं। चलो एक और बताएं, मेरे मन में आ रहा है, मैं ऐसे ही पूछूंगा उल्टे सीधे वाले, सीधे सीधे तुम बता दोगे, मजा ही नहीं आएगा। स्कॉलरशिप मिली, मेहनत की है। यार तो तुमने बहुत इजीली बता दिया। चलो देखते हैं कौन कौन कह रहा है मेहनत की इनकम है, मेहनत की इनकम। अरे वाह। और कौन कौन कह रहा है फ्री की इनकम है, फ्री की इनकम। पलट गई बंदी। तुम क्या कहती है एंजल, मेहनत की इनकम है? कैसे, क्या किया तुमने जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिली? कह रहे पढ़ाई करी तो स्कॉलरशिप मिली। बात तो सही है ना, फ्री में तो मिली नहीं, बहुत मेहनत लगी। कह रही है इनकम है। हाँ इनकम, जहां पैसा मिल जाए वो इनकम है। अब डिसाइड ये करना है मेहनत की इनकम है या फ्री की इनकम। पैसा ना तो कोई सर्विस प्रोवाइड हुई है और ना कोई गुड्स सोल्ड हुआ। तो तुम ट्रांसफर कहना चाहती हो? ओहो मिल गई बंदी ट्रांसफर वाली, यही तो चाहिए था। ये बंदी कह रही है कौन सी इनकम है, ट्रांसफर। क्यों? यही रीजन है जो भी बोल रही थी मैं, है कि कोई सर्विस नहीं दी और कोई गुड्स भी नहीं दिया। बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, मैंने कहा ना मैं ऐसे सवाल पूछूंगा उल्टे। ये एक ट्रांसफर इनकम है, फ्री की इनकम है। अब तुम कहोगे कैसे, तो दो तीन के मन में आ रही होंगी गालियां। अरे साफ साफ तो बताया था इन्होंने, मेहनत की इनकम फैक्टर इनकम है और फ्री की इनकम है क्या ट्रांसफर इनकम। बात भी सही है भी ऐसा ही, पर यहां पे ना आपने किसी को सर्विस दी ना कोई गुड्स बेचा। जैसे मान लो आप मुझे फीस दे रहे हो तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस। तो आप मुझे फीस दे रहे हो, आपने गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी? पढ़ाई करी, अपने लिए करी गवर्नमेंट के लिए करी? कहने लगे पढ़ाई करी, मोदी का बहुत फायदा हो गया मेरे पढ़ाई करने। तुम्हारे पढ़ाई करने से मोदी का क्या फायदा हो गया, वो स्कॉलरशिप दे रहा है तुम्हें। लड़कियों को मिलती है, अगर आप वन चाइल्ड हो, वन चाइल्ड गर्ल हो, मतलब अपने घर वालों की एक लड़की हो, तो एमजी में और एमजी में फॉर्म भरवाते हैं एमजीपीएस में, बाकी स्कूल में नहीं भरवाते। खुद भर देना अगर आप वन चाइल्ड गर्ल हो, मतलब अपने घर वालों की इकलौती लड़की हो, तो और ट्वेल्थ में आपके 80% से अबव आ गए तो आपको 10,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। भर देना फॉर्म, लड़कों के लिए कुछ नहीं है, ऐसे मत देखो। लड़के बेचारे सोच रहे हम भी कुछ 80% ले आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। वन चाइल्ड गर्ल हो तो एक फॉर्म आएगा, वो भर देना, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पर स्कॉलरशिप एक फ्री की इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, मेहनत की इनकम नहीं। आपने किया क्या, गवर्नमेंट के लिए कुछ किया? गवर्नमेंट को कोई गुड्स दिया? पढ़ाई करी ना, अपने लिए करी ना, किसी और के लिए तो नहीं करी। तो ये क्या है, एक ट्रांसफर, समझते हो? तो फैक्टर इनकम क्या, जो मेहनत से कमाई, जिसके बदले आप कोई गुड्स दे रहे हो या फिर क्या दे रहे हो, कोई सर्विस। पर जो फ्री में मिल जाए, जिसके बदले आपने कोई गुड्स और सर्विस रेंडर नहीं करी। मैंने एक वर्ड यूज कर लिया नया, क्या नहीं करी, रेंडर। रेंडर मैंने प्रोवाइड करी, ना आपने कोई गुड्स प्रोवाइड करा ना आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, पर बदले में आपको क्या मिल गए, पैसे। वो क्या है, एक ट्रांसफर। अच्छा एक मेरे मन में हो रहा है अभी अभी, मैं फिर उल्टे सवाल पूछूंगा सीधे वाले, तुम बता दो क्या नाम है। कनिका। कनिका बताएंगी। कनिका ऐसा हुआ, मैंने ना एक कंपनी में 15 इयर्स काम करा और फिर मैं रिटायर हो गया। रिटायर मतलब जॉब छोड़। अब मुझे पेंशन मिलेगी, वो पेंशन रिटायरमेंट पेंशन फ्री की इनकम है या मेहनत की इनकम है? फ्री की इनकम कहते हैं। और कौन कौन कहता है रिटायरमेंट पेंशन एक फ्री की इनकम है? हेलो, दो तीन चार पांच छ सात, कम पॉपुलेशन, 7 8 9 10। कौन कौन कहता मेहनत की इनकम है? अजी हाँ। और कौन कौन कहता है मेरा कोई जवाब नहीं, हम लाजवाब हैं? कौन कौन लाजवाब है, कह रहे नहीं। चलो अच्छा पहले इनसे पूछते हैं जो फ्री की इनकम बोल रहे, फ्री की इनकम क्यों है? तुमने फ्री बोला, हाँ फिर बताओ। कह रहे कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, चलो तुम भी ये कहना चाहते। पेंशन तो फ्री में ही मिलती है, सही बात है,
ये इन्होंने मना किया, तुमने तो हाँ बोला ना। नहीं नहीं, तुम गलत रही। नहीं मैंने तो बोला ही नहीं। अच्छा अब बस बोला तुमने। तुम ट्रांसफर इनकम कह रही थी, ऐसा क्यों कह रही थी तुम श्रेया? प्रेजेंट में तो वो कुछ नहीं कर रहा ना कंपनी। प्रेजेंट में वो कुछ नहीं कर रहा कंपनी के लिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपका नाम क्या बेटा? ऋषिका। ऋषिका क्या कहती है इस बारे में? कह रही मैं कुछ नहीं कहूंगी। जयेश क्या कहता है? जयेश फ्री की इनकम है। कैसे मतलब क्या? मैं आपको कुछ कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। ये एक मेहनत की इनकम है पहली बात तो, क्योंकि जब हम जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी में से कुछ पैसे कट जाते हैं। हमारी सैलरी मान लो 50,000 है तो हमारा मालिक हमें 45,000 देगा और 5,000 अपने पास रख ले, और वही पैसे जमा होते रहते हैं फॉर पेंशन। और जब हम रिटायर हो जाते हैं तो वही पैसे हमें बढ़ बढ़ के थोड़े थोड़े मिलते रहते हैं। तो हमारे ही पैसे हैं, बस किसने रख लिए थे? कंपनी ने अपने पास रख लिए थे, और जब हम रिटायर हुए तो कंपनी ने हमें वापसी कर दी। वो एक फैक्टर है। रिटायरमेंट से पहले बंदा गहरा निपट गया कोई है ना, तो उसकी फैमिली को वो पेंशन मिलती है। ठीक है तो अच्छा चलो, ये तो बात हुई रिटायरमेंट पेंशन की। एक होती है ओल्ड एज पेंशन। क्या होती है? अब बताओ, पहले बात तो तुम्हें पता ही नहीं होगा ये होती क्या है। मैं ही बता देता हूँ, टॉपिक को खत्म करता हूँ। ओल्ड एज पेंशन होती है कि हमारी रिटायरमेंट पेंशन खत्म हो गई पर अभी तक हम जिंदा है, अब हमारे को कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्री में हमें क्या देने शुरू कर देती है? पैसे। कि भैया आप ज्यादा बूढ़े हो गए हो, आपका कोई सोर्स तो है नहीं इनकम का, और आपने जो पेंशन ली थी वो भी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो एक काम करो, हमारे से थोड़े थोड़े पैसे हर महीने लेते रहा करो। अन्ना हजारे जी को मिलती है 2,500 रुपये 3,000 रुपये मंथली अपना खर्चा चलाने के लिए, डेट इज ओल्ड एज पेंशन। और वो एक फ्री की इनकम है। मतलब कैसी इनकम है? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर इनकम क्या हुई? जो हम फ्री में कराते हैं विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस इन रिटर्न, पर हमने कोई बदले में कोई सर्विस, आवाज आनी चाहिए, देखना जरा। फैक्टर इनकम कौन सी होती है? फैक्टर इनकम आर दोस इनकम विच आर अर्नड बाय रेंडरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, एंड ट्रांसफर इनकम आर दोस इनकम विच आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज इन रिटर्न या गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न। हमने बदले में कोई गुड्स या सर्विस नहीं दिए पर हमें क्या मिल गई? पैसे। ऐसी इनकम को क्या बोलोगे? ट्रांसफर इनकम। अब सब रिपीट करेंगे, फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम आर दोस इनकम विच आर रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग सम गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। सही है, आसान डेफिनेशन है। और ट्रांसफर इनकम आर दोस इनकम विच आर रिसीव्ड विदाउट, आवाज नहीं आ रही, विदाउट रेंडरिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। हमने बदले में किसी को कोई गुड सर्विसेज नहीं दी। अच्छा जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे ना, सब बंदों को पकड़ के लाएंगे, फिर उनकी सबकी क्या जोड़ देंगे? इनकम। जब हम सब बंदों को ऐसे ना करो, सब बंदों को पकड़ के लाएंगे ना, उनकी इनकम जोड़ेंगे, तो उनकी सिर्फ ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़नी, खाली कौन सी जोड़नी है? फैक्टर है। मतलब ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। कौन सी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है? फैक्टर है। ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं। अरे वाह यश को नींद आ गई, यश तो नाम है। यश से हम डेफिनेशन सुनेंगे। चलो यश बताओ फैक्टर इनकम की डेफिनेशन। फैक्टर इनकम आर विच आर रिसीव्ड बाय रेंडरिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। बहुत अच्छे। आपका नाम बेटा? भाविका। सही बोला मैंने, भाविका बताएंगी ट्रांसफर इनकम की डेफिनेशन। हाँ विच आर रिसीव्ड। अच्छा इसके साथ आप अर्न वर्ड मत लगाओ, क्योंकि ये मेहनत करके नहीं कमाई जाती, इसलिए आप इसके साथ क्या लगाओ? रिसीव्ड। हाँ फैक्टर इनकम के साथ आप क्या लगा लो? अर्न, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये इनकम फ्री में मिलती है, कौन सी इनकम? ट्रांसफर इनकम। इसलिए इनके साथ क्या नहीं लगेगा? अर्न। इसके साथ क्या लगेगा? रिसीव। क्या क्या पूरी डेफिनेशन क्या बनी? ट्रांसफर इनकम आर दोस इनकम रिसीव्ड बाय रेंटिंग, सॉरी गलत हो गया, विदाउट रेंटिंग एनी सर्विसेज इन रिटर्न। हमने जिसके बदले कोई सर्विस ना दी। अच्छा मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तुम्हें घर से, तुम बता दो कि ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम। तो आज का होमवर्क यही है तुम्हारा, छुट्टी नहीं हुई, दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं।
दूसरे टॉपिक का नाम है आज का जो दूसरा टॉपिक है, एक बार दोबारा सब रिपीट करें, मैं ना डेफिनेशन बार बार भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं ना, तुम याद दिला दोगे। माधव कह रहे हैं मैं याद दिला दूंगा, माधव याद दिलाएगा। माधव बताओ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की डेफिनेशन। इन रिटर्न अपनी डेफिनेशन बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, होनी सही चाहिए। बोर्ड में कौन चेक कर रहा, किसी को सबको अलग अलग डेफिनेशन याद होती है। बनाओ आसान और तुम्हें भी याद हो जाए, टीचर को भी समझ आ जाए। अरे ये बंदा भी तो बैठा है, श्रेयांश पूरा शहर घूमने वाला। बताओ ट्रांसफर इनकम, जल्दी से बताओ, इतना टाइम थोड़ा है। ट्रांसफर इनकम आ रहा है, दो इनकम विच आर रिसीव्ड विदाउट रेंटिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, अपने बदले में जिसके बदले कोई गुड्स और सर्विसेज ना दी। अगला जो टॉपिक, पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, फैक्टर एंड। अच्छा ये बताओ, सब बताएंगे सोच के, इनमें से कौन सी नेशनल इनकम में जुड़ती है? फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में जुड़ती है, बट ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती। दूसरा है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कौन कौन से गुड्स है? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये क्या होते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स? कह रहे मैं ही तो बताऊंगा, सही बात है, मैं बताता हूं। दो दो बातें दोनों के बारे में याद रखना, एकदम खत्म हो जाएगा। मान लो मैं गुड्स लाया, कोई भी गुड्स, आपका क्या नाम? रागिनी। रागिनी को नींद आ रही है, नहीं आ रही, अभी अभी भाग जाएगी, देखो अभी सुनिए। आपका क्या नाम है सर? अजी हाँ सही यार, एक पुनीत सर भी है यहीं पे, जानते हो तुम, तो वहां पढ़े हो तुम, उनसे पढ़े हो स्कूल वगैरह कहीं स्कूल में, तो उन्होंने तुम्हारा नाम पूछा होगा तब मूवमेंट हुआ होगा। नाम क्या तुम्हारा? पुनीत। चल तो फाइनल गुड्स और कौन सा गुड्स? इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स दो बातें, विच आर रेडी टू कंज्यूम, बहुत अच्छे, और इंटरमीडिएट विच आर नॉट रेडी टू कंज्यूम। ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं है क्या, मैं गुड्स लाया और मैंने उसे यूज कर लिया, वो फाइनल गुड है। मैं गुड लाया रीसेल पर्पज के लिए, रीसेल के लिए बेचना है मुझे। पेन लाया बेचने के लिए, 10 का लाया 15 का बेचूंगा, 5 रुपए कमाऊंगा, बहुत बढ़िया। अब ये क्या है? इंटरमीडिएट। पर्पस पर डिपेंड करता है, गुड लाया और डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, अब ये क्या है? फाइनल गुड। और यही गुड लाया, पेन ही लाया और पेन लाके मैंने आगे बेच दिया, अब ये क्या बन गया? इंटरमीडिएट। तो फाइनल गुड्स कौन से है? जो हम लाए और डायरेक्टली क्या कर ले? कंज्यूम। मतलब विच गुड्स? Those goods which are used for consumption purpose. Those goods which are used for क्या कहलाएंगे? Final goods. और वो goods जो हम रीसेल के लिए लाते हैं वो कौन सा purpose हो गया? Intermediate. तो intermediate goods कौन से होते हैं? जो या तो resale purpose के लिए हो। किसके लिए हो? इसे हटा के मैं ठीक से लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना सब, focus के साथ बिल्कुल। अरे मैं वो भूल गया, हाँ ये बंदा कह रहा मुझे याद है, हार्दिक नाम है इस बंदे का। बताओ भाई दोनों बता दो, कौन से वाले छोड़ो? द इनकम व्हिच वी अर्न इन रिटर्न ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ इनकम जो अर्न कर रही हो किसके रिटर्न में? कोई गुड्स और सर्विस, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर इनकम विच आर रिसीव विदाउट रेंडिंग एनी सर्विसेज है ना, रिटर्न जिसके बदले हमने कोई सर्विस ना दी। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी खुशी और कोई भी थी क्या? अच्छा ये तो रही। हाँ तो अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट। जरा ध्यान से देखना, फाइनल और इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स की दो बातें हैं, मैं दोनों बातें लिख रहा हूं। फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं? कंजम्पशन, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट। या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं। तो वो गुड्स जो ला के आप क्या कर लो? कंज्यूम, वो क्या है? फाइनल गुड। या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लाए हो, जैसे मान लो ये बोर्ड है, सालों से चल रहा है, सालों से चलता आ रहा है, तो जो चीज सालों साल चलती है वो मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। एसी है,
क्या है इन्वेस्टमेंट नया ये एलईडी इन्वेस्टमेंट है ये फैन क्या है इन्वेस्टमेंट वो चीजें जो बिजनेस में लगी हूँ और सालों साल चल रही हूँ वो मेरे लिए क्या है इन्वेस्टमेंट। अच्छा मैं घर के लिए एसी लाया बिजनेस के लिए नहीं घर के लिए क्या लाया एसी अब क्या है अब इन्वेस्टमेंट नहीं है अब कौन सा पर्पस हो गया मतलब घर के लिए कुछ भी ले आओ कुछ भी एसी ले आओ स्टूल ले आओ टेबल ले आओ एलईडी ले आओ तो वो कौन सा पर्पस आएगा सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन पर अगर आप बिजनेस के लिए कुछ ला रहे हो बिजनेस के लिए और वो सालों साल चल रहा है फिर वो कौन सा पर्पस है और दोनों ही क्या कहलाएंगे फाइनल फोन दोनों जगह काम आ रहा है फोन दोनों जगह घर पे भी आ रहा है जैसे मेरा फोन ये मेरे फोन की एग्जांपल ले रहा कि अब मैं फोन से रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं बिजनेस में भी काम आ रहा है और हाँ तो मैं कहूंगा कि इसकी कुछ अमाउंट घर के लिए काम आ रही है कंजम्पशन पर्पस है और कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट पर्पस है परसेंटेज बांट लेंगे नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे कि आप फोन घर पे भी यूज कर रहे हो ऐसे कर रहे हो मजाक नहीं चलती ना बोर्ड में ट्यूशन में चल जाती है पर बोर्ड में नहीं चलती है ना इंटरमीडिएट गुड्स की भी दो बातें हैं इंटरमीडिएट गुड्स की पहली बात है कौन सा पर्पस होना चाहिए रीसेल आप गुड लाए हो आगे बेचने के लिए पेन लाया 10 का आगे 15 का बेच दिया कौन सा पर्पस हो गया रीसेल फिर आप उसको गुड को क्या बोलोगे इंटरमीडिएट अच्छा फाइनल गुड्स कौन से थे फाइनल गुड्स जो या तो कंजम्पशन के लिए हो या फिर घर के लिए कुछ लाया तो वो कौन सा पर्पस है और बिजनेस के लिए लाया और वो चीज सालों साल चल रही है फिर वो क्या है और ये इंटरमीडिएट गुड्स या तो रिटेल पर्पस के लिए है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए किसके लिए है फर्दर प्रोडक्शन मतलब मान लो अब मैं एग्जांपल लेता हूं मुझे बताना कि फाइनल है या इंटरमीडिएट मैं ना मेरी एक डेयरी शॉप है यहीं मेन रोड पे डेयरी शॉप समझते हो दूध वाला हूं मैं काइंडली कभी तुम हाँ एक बार आइसक्रीम भी तो बेच रहा था मैं बड़ा मजा गर्मी आ गई अब आइसक्रीम भी बेचेंगे कड़ी चावल भी बेच वो तो खाने गया था यार मैं कड़ी चावल भी खा रहे यार तुम अभी मेरी क्या है एक डेयरी शॉप यही मेन रोड पे पाठशाला डेयरी शॉप तो क्या हुआ मेरी एक डेयरी शॉप है और मैं लाया दूध और दूध मैंने डाला एक मशीन में और मशीन से निकल गया पनीर इसमें क्या हंसना था नहीं इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है होता है ऐसा मैंने बनाई है मेरी बनाई निकलता नहीं क्या ऐसे होता होगा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो है तो क्वेश्चन जो कह दे वो होता है अब हो ना हो ऐसा मैटर नहीं करता तो मैंने क्या डाला दूध और उससे क्या बन गया अब दो चीजें यूज हुई मेरे बिजनेस में एक तो मशीन और दूसरा दूध बताओ दूध मेरे लिए क्या है फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट क्यों क्योंकि दूध का क्या हो गया फर्दर और वो मशीन बताओ मेरे लिए क्या है फाइनल क्यों है इन्वेस्टमेंट है मशीन सालों साल चलेगी इसलिए वो कौन सा पर्पस हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पस चलो कौन सा गुड है आसान है एग्जांपल अब थोड़ा हार्ड मान लो मैं एक लॉयर हूं लॉयर वकील और एक बंदा आया खून करके कह रहा मेरे से खून हो गया मैंने कहा बहुत बढ़िया ये टैलेंट तो कम लोगों में कह रहा सर खून हो गया बचा लो अब बचने का तो तू है नहीं देगा अब तो सजा तो होगी कम हो सकती है हाँ हम थोड़ी कम करा सकते हैं सजा तो मैंने कहा कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे तो मैं प्रिंट कर देता हूँ तो मेरे यहाँ पे प्रिंटर रखा हुआ था अब प्रिंटर बताओ मेरे लिए फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है क्यों इन्वेस्टमेंट पर्पस है कौन सा पर्पस है गलती से कोई कंजम्पशन ना बोल देना कंजम्पशन तो सिर्फ एक ही शर्त पे आएगा जब मैं कोई चीज अपने घर के लिए ला रहा हूं बिजनेस में यूज हो रहा है प्रिंटर
तो फिर वो कौन सा पर्पस हुआ है? अच्छा, बिजनेस में जब प्रिंटर यूज हो रहा था तो उसमें इंक भी डली थी, अब वो इंक बताओ इंक का क्या हो रहा है? अब वो इंक मेरे लिए क्या है? इंटरव्यू। अच्छा, इंक के साथ साथ एक बच्चा कहने लगा, सर आपने पेपर भी लगाए होंगे, फर्दर प्रोडक्शन, पेपर का भी क्या हो गया? उसमें मैंने उसको लिख के दिया, मैंने कहा आपको इतनी सजा हो सकती है, तैयार रहिए, तो वो पेपर का क्या हो गया? फर्दर। अच्छा, एक और एग्जांपल है अभी मेरे मन में, ये आसान है, ये बताएगी बंदी, मान्या इधर उधर देख रही बंदी, हाँ तो बताओ फिर। मान्या हमें बता रही है मोबाइल परचेज बाय अ मोबाइल डीलर फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड? वाई? हाँ, क्योंकि पर्पस कौन सा आ गया? रीसेल। अगर रीसेल पर्पस के लिए तो वो कौन सा गुड है? सर आपको कैसे पता लगा रीसेल है? क्योंकि मोबाइल किसने खरीदा है? मोबाइल डीलर ने। ऑब्वियसली जब मोबाइल डीलर कोई चीज खरीद रहा है, मतलब मोबाइल खरीद रहा है, तो आगे बेचने के लिए खरीद रहा है, तो कौन सा पर्पस हो गया? रीसेल। फिर कौन सा गुड हो गया? इंटरमीडिएट। आज दो टॉपिक पढ़े अभी अभी, पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, और दूसरा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट। ट्रांसफर इनकम जो फ्री में कमाई जाए और जो मेहनत से कमाई जाए वो, और दूसरा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स कौन से? या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट, और इंटरमीडिएट गुड्स या तो रीसेल के लिए हो या फिर फर्दर प्रोडक्शन। पूरी बात नहीं बताई मैंने। एक बच्चा कहने लगा कि सर ऐसा हुआ, आप ना पेपर ले आए बहुत सारे, बहुत टाइम लगे तो, कि आप पेपर ले आए बहुत सारे और एक साल में 70% यूज हो गए, 30 बच गए। अब बताओ 30% यूज, मतलब 30% बच गए। क्या लॉयर तो बन गया, अब तो छोड़ कैसे दूंगा, है ना? केस लड़ना, अभी तो उस बंदे का थोड़ी सजा कम करानी। अब मैं पूरा केस बताता हूँ। पूरा केस इस तरह है, मान लो आप कोई चीज लाए, मान लो आप 100 फोन लाए आईफोन बेचने के लिए, उसमें से 80 बिक गए पर 20 क्या है? अभी अनसोल्ड, बिके नहीं है, और बैलेंस शीट की डेट आ गई 31 मार्च, अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो वो जो 20 आईफोन बच गए करीब करीब 20 लाख के होंगे, तो उसे बैलेंस शीट में तो लिखोगे कि हमारे पास 20 लाख का स्टॉक रखा हुआ है। स्टॉक के नाम से लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ना बैलेंस शीट में। अब जो चीज बैलेंस शीट में आ गई, मतलब वो सालों साल यूज हो रही है, फिर वो तुम्हारे लिए, ध्यान से सुनना, फिर वो तुम्हारे लिए अब फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल पर्पस नहीं रहा। अगर वो चीज कहाँ भाग गई? बैलेंस शीट में भाग गई, तो फिर वो क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट। और वो जो 20 आईफोन बचे वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे? फाइनल। तो पूरी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर रीसेल पर्पस। ध्यान से इसे मेरे साथ बोलना सर, विच आर यूज फॉर रीसेल पर्पस और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर, उसी साल वो या तो बिक जाने चाहिए या फिर उनका क्या हो जाना चाहिए? फर्दर प्रोडक्शन। मान लो दूध लाया 100 किलो 30 मार्च को लाया, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनानी थी, 20 किलो बच गया, बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा ना क्लोजिंग स्टॉक, कितने किलो दूध? 20 किलो। अब जो 20 किलो वाला है, जो 80 किलो बिक गया, वो तो मेरे लिए क्या है? फर्दर प्रोडक्शन या फिर रीसेल, मतलब कौन सा गुड है? आवाज नहीं आ रही, कौन सा गुड है? और जो बच गया कितने किलो, 20 किलो, वो कौन सा पर्पस हुआ? अब वो फाइनल गुड हो। समझते हो इतनी बात? दो टॉपिक हुए, पहला फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, दूसरा फाइनल गुड्स। तीसरा टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं आपको, तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। अब ये क्या होता है स्टॉक एंड फ्लो? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, स्टॉक एंड फ्लो। हमारे ना सबके घर पे छत पे टैंक होता है, मान लो इस वक्त टैंक में 300 लीटर वाटर है, कितना वाटर? 300 लीटर। इस वक्त टैंक में मैं मेजर करके आया हूं,
कितना पानी है? 300 लीटर 300 लीटर। तो ये स्टॉक है, ये क्या है? स्टॉक। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक घंटे में टैंक में 100 लीटर पानी भर गया, कितने घंटे में? एक घंटे में टैंक में कितना पानी भर गया? 100 लीटर। फिर वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? फ्लो। कैसे पता लगा स्टॉक एंड फ्लो का? सर आपको तो पता है, हमें ही बता दो। तो मैं आपको बताता हूं, जहां पे टाइम पीरियड की बात आ जाए, एक घंटा, दो घंटे, 10 घंटे, एक दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, 10 हफ्ते, 5 हफ्ते, 1 साल, 5 साल, 6 महीने, 10 साल, 12 साल, ऐसे टाइम पीरियड की बात आ जाए, वो सब चीजें क्या है? फ्लो। और अगर आप किसी चीज को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो, किस पे मेजर करते हो? फिर वो क्या है? इस वक्त क्लास में मान लो 50 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 50। इस वक्त एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, फिर वो क्या है? स्टॉक। तो वर्ड साथ में यूज होता है क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या वर्ड यूज हो रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम। जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? पॉइंट ऑफ टाइम की, वो सब चीजें क्या है? स्टॉक। और जहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? पीरियड ऑफ टाइम की, वो सब चीजें क्या है? पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक घंटा, 10 घंटे, एक हफ्ता, 10 हफ्ते, 5 दिन, 6 दिन। अब मैं एग्जांपल लूं, क्या रे लेके दिखाओ। बिल्कुल, मैं ना पहले आपके लिए आसान कर देता हूं। बैलेंस शीट बनाई है कभी तुम लोगों ने? बैलेंस शीट सबने बनाई होगी लगभग, 2-3 को छोड़ के, ह्यूमैनिटीज वाले। कौन कौन है? तुमने कभी बैलेंस शीट नहीं बनाई होगी? मैं बताता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया होगा बाकी लोगों ने। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर कुछ लिखते हो? क्या लिखते हो? क्या ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हो? आप ऐसे लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखते हो? बैलेंस शीट के ऊपर, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। अच्छा, वहां लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड, कहां लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड? पीएनएल में, वो एक साल का बनता है। तो पीएनएल की सारी आइटम्स, सैलरी देना, इंटरेस्ट देना, रेंट मिलना, रेंट देना, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब, सॉरी, पीएनएल में डालते हो जो आप चीजें, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो सब क्या है? फ्लो। क्योंकि वो एक साल का बन रहा है, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाए, वो सब चीजें क्या है? फ्लो। बैलेंस शीट के ऊपर लिखा होता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। एज ऑन का मतलब है 31 मार्च 2023 की रात को 12 बजे हमारे पास इतने रुपए की बिल्डिंग थी, इतने रुपए की लैंड थी, इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, इतने रुपए का ये था, वो था। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, इस वक्त हमारे पास इतने रुपए थे। तो बैलेंस शीट की सारी आइटम क्या है? स्टॉक। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोग बताना, ट्राई करना कि स्टॉक है या फ्लो है। ट्राई करोगे? पहली चीज, नेशनल इनकम, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम। बताओ स्टॉक है या फ्लो है? ये बंदे का सबसे पहले हैंड रेज हुआ, बताओ सर। स्टॉक है। क्या है? स्टॉक। कौन कौन कह रहा है स्टॉक है? यही तो सस्पेंस है, यही तो सस्पेंस है। स्टॉक वाले हाथ उठाओ। हाँ भाई, बहुत अच्छे। फ्लो वाले हाथ उठाओ। फ्लो वाले ये ज्यादा हैं, फ्लो वाले हैं। फ्लो वाले फ्लो क्यों कह रहे? नेशनल इनकम है, पूरे साल की निकलेगी। अच्छा, स्टॉक वाले स्टॉक क्यों कह रहे? पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगती है कि इस वक्त इतनी इनकम है। कभी ऐसा सुना है? बोलते क्या है, एक महीने में इतनी इनकम कमा ली? एक दिन में भी कहते हैं, या एक घंटे में भी कहते हैं, या एक साल में कहते हैं। नेशनल इनकम पूरे साल की होती है, और वैसे भी वो इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। प्रॉफिट, इनकम माने प्रॉफिट, तो किसकी आइटम हो गई? पीरियड ऑफ टाइम। कभी ऐसे नहीं बोला मैंने इस वक्त इतने पैसे कमा लिए। आई डोंट नो, नेशनल वेल्थ, पूरे देश की वेल्थ, वेल्थ माने प्रॉपर्टी। अब बताओ स्टॉक कौन कौन कह रहा है? स्टॉक तुम कह रही, नंदिनी स्टॉक, स्टॉक कौन कौन कह रहा है? नंदिनी स्टॉक कह रही, 2-3 नेशनल वेल्थ, पूरे देश की प्रॉपर्टी। मैं ऐसे सवाल पूछूं उल्टे? आसान वाले तुम बता दोगे ना, मजे नहीं आएंगे।
तुम क्या कहती शार्टन वाली बंदी कह रही मैं कुछ नहीं कहती तुम ही कह लो तुम क्या कहते श्लोक शार्टन वाला तुम भी शार्टन की स्टॉक कहते क्या कहते स्टॉक कौन कौन स्टॉक कह रहा है बढ़ गए बंदे फ्लो वाले फ्लो वाले फ्लो कोई नहीं कह रहा फ्लो क्यों कह रहे भाई एक साल के बाद नेशनल वेल्थ नहीं वेल्थ माने प्रॉपर्टी और सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है एसेट होती है वो कहाँ लिखी जाती है बैलेंस शीट उसे आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते कि इस वक्त हमारे देश के पास इतनी प्रॉपर्टी है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो सकती है ना तो वो क्या है स्टॉक ठीक है अब तीन चीजें पढ़ी पहली चीज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर बताओ फैक्टर इनकम कौन सी होती है ऐसे एक जना बताएगा क्या नाम है वानी हाँ वानी बाय रेंडरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न और जो विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस इन गुड एंड रिटर्न हो गया वो क्या है ट्रांसफर वो सब क्या है ट्रांसफर स्टॉक एंड फ्लो क्या है Those measures which can be measured at a point of time are known as stock variable and those variable which are measured over a period of time that is known as flow variable. बीच में एक टॉपिक रह गया मजेदार टॉपिक है हाँ भाई बताओ फाइनल गुड्स कौन कौन से होते हैं हाँ कौन कौन से होते हैं बिना देखे ना अब नहीं बताना ना ये भी देख रहा बंदा मनु बताएगा मनु ये फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हाँ जो या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उन गुड्स को क्या बोलोगे तुम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स विच आर फॉर रीसेल पर्पस और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द उसी साल यूज हो जाना चाहिए उस साल अगर यूज नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर चले गए अगर तो वो क्या बन जाएंगे फिर हार्ड हो गया क्या टॉपिक थोड़ा सा होमवर्क दे दूं छोटा सा हाँ लिखो फिर क्या हुआ पेन है हाँ कोई नहीं नोट कर लो ऐसे किसी से ले लेना पेन लेके आया करो एक पेन तो चाहिए होता है पेज नंबर 1.6 पेज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 वो मैं बता दूंगा आप पहले लिख लो हाँ फोटो 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 2.14 पेज नंबर 2.14 क्वेश्चन नंबर 1 एंड टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बस